गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था कि आर्टिफिशियल लिफ्ट के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन सा पंपिंग मेथड होता है और कौन से पंपिंग मेथड को अपन काम में यूज करेंगे। उसके अलावा अपन ने देखा था कि गैस लिफ्ट मेथड है और सारे मेथड्स का अपन ने देखा था क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेज है। उसके अलावा अपन ने देखा था कि कौन कौन सी मेथड को कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैस लिफ्ट में जनरली अपन क्या कर रहे हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल है गैस लिफ्ट का उसमें क्या कर रहे हैं अपन। इन द गैस लिफ्ट सिस्टम हाई प्रेशर गैस इज इंजेक्टेड थ्रू द गैस लिफ्ट मेटल द गैस लिफ्ट वॉल। अपन जनरली क्या करते हैं कि जो भी आपके गैस लिफ्ट वॉल्व है और जो आपके गैस लिफ्ट मेटल्स हैं इनके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। तो जो गैस लिफ्ट वॉल्व है उनके थ्रू अपन क्या करेंगे कि एक हाई प्रेशर गैस को इंजेक्ट करते हैं। प्रोडक्शन है जो आपकी प्रोडक्शन स्ट्रीम है और जो केसिंग है इनके बीच का जो एन प्लस है, मतलब ये वाला जो एन प्लस है इसके थ्रू आप जो ये आपके जेल भी लगे हुए हैं इसमें आप गैस को एक हाई प्रेशर के साथ इंजेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो हाई प्रेशर गैस इंजेक्ट हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि अपना जो वेल है वो फ्लो कर रहा है या जो ऑयल है आपका उसको सरफेस तक ला रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या कर रहा है कि द इंजेक्टेड गैस लोअर द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द प्रोडक्शन स्ट्रीम। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है उसको लोअर करता है कैसे, जो आपका प्रेशर होता है वो क्या होता है 0.052 इनटू जो भी डेंसिटी इनटू हाइट या डेप्थ जो भी होगी वेल की। तो जनरली जब अपन गैस इंजेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा उसकी डेंसिटी को लोअर करेगा और डेंसिटी लोअर होने से आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो लिक्विड कॉलम का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि अपन को जितना भी रिक्वायर्ड जो प्रेशर डिफरेंशियल है, जो रिजर्वर का प्रेशर है और यहाँ पे जो वाटरफॉल का प्रेशर है, इन दोनों में जो डेल्टा पी है जिसको अपन ड्रॉडाउन बोलते हैं, वो मतलब जो बॉटम ऑफ फ्लोइंग है वो प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि ये जो लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से ये प्रेशर जो लग रहा था वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एनफ प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होगा, उसकी वजह से जो ये फ्लूइड है आपका एक रिजर्वर से यहाँ पे आएगा और यहाँ से सरफेस तक लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि गैस जिसमें बेसिकली क्या प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये वर्क करते हैं कि वो जो लिक्विड का कॉलम है उसकी डेंसिटी को रिड्यूस करती है, उसको लाइटन अप करती है, उसकी वजह से उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिड्यूस होता है, उसकी वजह से जितना आपको डिजायर्ड रेट के लिए जो ड्रॉडाउन रिक्वायर्ड है उस ड्रॉडाउन को क्रिएट करती है, उसकी वजह से आपका ऑयल सरफेस तक आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गैस लिफ्ट है वो कितने टाइप का होता है। गैस लिफ्ट है जनरली दो टाइप का होता है, कंटिन्यूस गैस लिफ्ट एंड इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट। ठीक है, अब देखते हैं कंटिन्यूस गैस लिफ्ट क्या होती है। अब कंटिन्यूस गैस लिफ्ट है उसमें क्या करना है अपन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस फ्लो गैस लिफ्ट इज टू इंजेक्ट द गैस इन द ऑयल बॉडी एट सम प्री डिटरमाइंड डेप्थ एट अ कंट्रोल्ड रेट टू एलिवेट द ऑयल कॉलम अबाउट इट। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं जनरली कंटिन्यूस वाले में कि जो भी आपकी, जैसे मान लिया मेरा ये प्रोडक्शन ट्यूबिंग है, इसके अंदर मेरा फ्लूइड है या ऑयल का कॉलम है या ऑयल बॉडी है। ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे अगर गैस इंजेक्ट कर दूँ, यहाँ पे एक प्री डिटरमाइंड डेप्थ जिस डेप्थ पे मुझे इंजेक्ट करना है और जो गैस इंजेक्शन पॉइंट है वो अपन देखेंगे गैस इंजेक्शन पॉइंट या इसकी डिजाइनिंग की कौन से पॉइंट पे मुझे जाके गैस को इंजेक्ट करना है। ठीक है, और कैसे जीएलबी को मुझे स्पेस करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें कंटिन्यूसली, जैसे ये वाला जीएलबी है इसके थ्रू मैं कंटिन्यूसली गैस को इंजेक्ट करूंगी एक प्री डिटरमाइंड रेट पे या एक पर्टिकुलर इंजेक्शन रेट पे और इंजेक्शन प्रेशर पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी ऑयल का कॉलम है वो क्या होगा, एरेट होगा, एरेशन प्रोसेस होगा। कंटिन्यूस गैस लिफ्ट में हमेशा एरेशन प्रोसेस होगा, मतलब उस फ्लूइड के कॉलम जो डेंसिटी है ऑयल का उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसकी वजह से ऑयल आपका लिफ्ट होगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट द डेंसिटी ऑफ ऑयल कॉलम गेट्स रिड्यूस टू अ पॉइंट वेयर अ फ्लोइंग बॉटम ऑन प्रेशर फॉर अ डिजायर्ड रेट ऑफ प्रोडक्शन इज सफिशिएंट टू लिफ्ट द ऑयल टू द सरफेस। ठीक है, और जो अपना ये पी डब्ल्यू एफ है वो एक सफिशिएंट हो जाएगा कि हाँ इतना ये रिड्यूस हो जाएगा कि यहाँ पे सरफेस पे आपका फ्लो हो जाएगा। ठीक है, जनरली आपका यहाँ से यहाँ तक क्या रिजर्वर से यहाँ पे आ रहा है तो प्रेशर डिफरेंस है, दैट्स व्हाई यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी एक प्रेशर डिफरेंस होगा सरफेस प्रेशर और इसमें जो आपका वेलहेड का प्रेशर है उसमें और इसमें एक बॉटम ऑफ फ्लोइंग प्रेशर दोनों में डिफरेंस होगा तभी यहाँ से यहाँ लिक्विड फ्लो करेगा। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं जनरली जो पी डब्ल्यू एफ है उसको रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं।
ठीक है, और इसको रिड्यूस करने से क्या होगा, यहाँ से ऑयल आपका लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या हो रहा है कि ये डेंसिटी को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, मतलब एक एरेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस गैसेस में, और इसमें क्या होगा, गैस का इंजेक्शन है वो कंटिन्यूसली होगा। ठीक है, पर्टिकुलर जो अपना इंजेक्शन रेट अपने डिटरमाइन किया है उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो कंटिन्यूस गैस लिफ्ट है उसमें क्या कर रहे हैं कि जो गैस इंजेक्शन है वो स्लो रेट पे करते हैं, मतलब कंटिन्यूसली करते हैं, बट एक स्लोली स्लोली इंजेक्शन होता है आपका। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द पोर्ट साइज, जो इसके लिए जीएलबी है, जो गैस लिफ्ट वाल्व है, उनका जो पोर्ट है, मतलब जो डायामीटर है जिसके थ्रू गैस इंजेक्ट हो रही है, वो उनकी साइज की होगी, स्मॉल होगी, क्योंकि अपन कंटिन्यूसली गैस कुछ कम अमाउंट में कंटिन्यूसली इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बॉयल की साइज होगी जनरली, जो कम्पेयर टू इंटरमीडिएट के लिए जो गैस लिफ्ट हो गए, गैस लिफ्ट वाल्व है, उनका जो पोर्ट साइज है उसकी कंपैरिजन में इनकी पोर्ट साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, अब जनरली पोर्ट साइज कंटिन्यूस गैस लिफ्ट के लिए क्या होगी, 3/16 इंच, 1/4 इंच एंड 1/15 इंच, मतलब ये इतनी पोर्ट साइज होगी इसकी कंटिन्यूस गैस लिफ्ट के लिए। अब इसमें अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ से क्या गैस का इनलेट है। अब क्या होता है, जैसे अपन ने वेलवेट के बारे में पढ़ा था, क्रिसमस ट्री के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे अपन ने बोला था कि जो क्रिसमस ट्री का होता है उसमें दो बिग वॉल्व होते हैं, जिसमें एक का यूज क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए होता है, जिससे अपन प्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, दूसरे का क्या होता है, इंजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला बिग वॉल्व है उसके थ्रू अपन क्या करें, गैस को इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गैस इनलेट है, यहाँ से क्या, ये जो प्रोडक्शन ट्यूबिंग है और ये जो केसिंग है, इनके बीच का जो एनुलस है, उसमें अपन ने क्या है, गैस लिफ्ट वाल्व लगा रखे हैं और अपन गैस को इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो जीएलबी है वो आपके 1, 2, 3, मतलब कितने नंबर ऑफ जीएलबी लगेंगे वो भी अपन डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ जीएलबी कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लग रहे हैं, बट यहाँ पे जो ऑपरेटिंग जीएलबी होगा, जो ऊपर के दो वॉल्व है, उनको बोलते हैं अनलोडिंग वॉल्व। ठीक है, ये वेल को अनलोड करने के काम में आते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ वाला जीएलबी है, ठीक है, ये आपका आता है ऑपरेटिंग जीएलबी, ये ऑपरेट हो रहा है, मतलब गैस इंजेक्ट हो रही है वो इसके थ्रू इस डेस्क पे इंजेक्ट हो रही है। ठीक है, ये दोनों वॉल्व के थ्रू गैस अभी इंजेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अब ये सिर्फ अनलोडिंग का ये काम आता है, जब वेल आपका लोड हो जाता है, वेल को मुझे खाली करना है या वो करना है, जब अपन वेल का कंडीशन करते हैं, उसके बाद वेल को अपन ओपन अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं चालू करने के लिए, कि वेल अब से अपना प्रोडक्शन पे डालना है। ठीक है, तब वेल को क्या करते हैं, अपन नाइट्रोजन गैस इंजेक्ट करके वेल की अनलोडिंग की जाती है। ठीक है, तो उस टाइम वेल की अनलोडिंग में ये वॉल्व काम आते हैं, या उसके अलावा भी कोई टाइम पीरियड में अपन को वेल को अनलोड करना है, तब ये वाले वॉल्व ऑपरेट होते हैं। ठीक है, और बोल सकते हैं टाइम कंप्रेशन के लिए कि मुझे यहाँ से गैस को लिफ्ट करना, तो बाद में लेटर जो लाइफ होती है उसमें ये जीएलबी का वॉल्व भी काम कर सकते हैं, मतलब ऑपरेटिंग वॉल्व का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट। अब इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट में क्या होता है कि अपन एक कंटिन्यूस साइकिल में थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद गैस को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन द इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट सफिशियंट वॉल्यूम ऑफ गैस एट द अवेलेबल इंजेक्शन प्रेशर इज injected as quickly as possible into the tubing annulus under a liquid column and then the gas injection is stopped. इसमें क्या कर रहे हैं अपन कि जो आपका लिक्विड का कॉलम है, मतलब अपन बाकी आगे देखेंगे कि कंटिन्यूस कहाँ पे होगी, कौन से वेल पे अपन कंटिन्यूस गैस लिफ्ट लगाएंगे और कौन से पे अपन इंटरमीडिएट लगाएंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जहाँ पे आपका फ्लो, जहाँ वेल का प्रेशर कम है और जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कम है जिस वेल का, जनरली वहाँ पे इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे अपन चाहते हैं कि अगर जैसे मुझे पता है कि 5 मिनट के बाद वेल में इतना लिक्विड गैस लगा रहा है। ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूसली गैस इंजेक्ट करूंगी तो उससे क्या होगा कि मुझे पता है कि 5 मिनट के बाद ही इतना गैस लग रहा है जिसको लिक्विड लग के मुझे ऊपर उठाना है। अगर मैं कंटिन्यूसली गैस इंजेक्ट करके जाऊंगी और यहाँ पे क्या होगा कि इसको तो आने में 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, 5 मिनट से पहले यहाँ पे कोई लिक्विड लग होगा नहीं। अगर मुझे इसको लिफ्ट करना है, मतलब अगर मैं कंटिन्यूस गैस इंजेक्ट करूंगी तो एक टाइम ऐसा होगा ना जब बीच में यहाँ पे कोई लिक्विड स्लग होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि खाली होगा वेल, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने बोला कि इस लिक्विड स्लग को या लिक्विड कॉलम को आने के लिए 5 मिनट के लिए इतना फील होता है। ठीक है, अगर मैंने कंटिन्यूसली गैस इंजेक्ट करके जा रहा हूँ तो एक टाइम ऐसा होगा जैसे इसको लिफ्ट कर लिया, इसको यहाँ ऊपर लिया लिक्विड स्लग को,
वापस यहाँ पे कितना लिक्विड स्लग बनने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यूअसली वो गैस इंजेक्ट करती रहूंगी तो ये जो बाकी 5 मिनट जो लिक्विड स्लग बनने में ले रहा है उस टाइम वहाँ पे कुछ है ही नहीं, लिक्विड स्लग है नहीं, तो उसको लिस्ट होगा ही नहीं, वो गैस अपनी क्या होगी फॉल्स में वेस्ट होगी, ऐसे इंजेक्ट होगी वापस सरफेस पे गैस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि ऐसे वेल्व में इंटरमीडिएट गैस इंजेक्शन यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं कि अपन जैसे अपन को पता है कि अपना लिक्विड स्लग आया है, देन अपन क्विकली 5 मिनट या 2 मिनट जितना टाइम इंटरवल होता है उसके लिए अपन गैस इंजेक्ट करते हैं, देन गैस इंजेक्शन को स्टॉप कर देते हैं, फिर वापस लिक्विड स्लग आता है अपन को पता है, देन अपन वापस गैस इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम साइकिल कंट्रोलर होता है ऊपर वेल्व पे लगा होता है, और पहले अपन क्या करते हैं उसका पैटर्न नोटिस करते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन में लिक्विड स्लग आ रहा है और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए मुझे गैस को इंजेक्ट करना है ताकि वो उस लिक्विड स्लग को सरफेस पे लेके आ जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर मैं 10 मिनट गैस इंजेक्ट करती हूँ तो मेरा लिक्विड स्लग सरफेस पे आ रहा है और उसको वापस बिल्ड होने में 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी कि पहले 10 मिनट के लिए गैस इंजेक्ट किया, फिर 20 मिनट मैंने वेट किया, ठीक है, क्योंकि वापस लिक्विड स्लग बनेगा, वापस मैंने 10 मिनट के बाद सेम इंजेक्शन किया, तो उसको क्या होता है कि अपने आप से गैस इंजेक्ट होती रहे उसके लिए एक टाइम साइकिल कंट्रोलर लगा होता है, वो अपने आप से 20 मिनट्स का ब्रेक लेगा और 10 मिनट के बाद फिर से गैस इंजेक्ट करेगा, ठीक है। जो वो वहाँ पे लगा सरफेस पे लगा होता है वो गैस की इंजेक्शन लाइन पे लगा होता है कि वो अपने आप को स्टॉप करेगा, मतलब इतना टाइम के लिए कट कर देता है और वापस उसको इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंड्स व्हेन एंड इन द प्रोसेस इट डिस्प्लेसेस द ऑयल ऑन टू द सरफेस। इसमें उसमें क्या कर रहा था कि वो एक जो नेचुरल आपका सॉल्यूशन गैस ड्राइव था जिसके अंदर क्या कर रही थी कि गैस ऑयल के अंदर डिसॉल्व थी और वो उसको लाइटन अप करके सरफेस पे ला रही थी, तो कंटिन्यूस गैस लिफ्ट को अपन एरेशन प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट वर्क कर रही है उसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस, क्योंकि उसमें क्या कर रहा है वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होके उसको एक जो लिक्विड स्लग है उसको धक्का देके सरफेस पे ला रही है, ठीक है। तो जनरली वो क्या कर रही है, जैसे कि यहाँ पे मेरा लिक्विड स्लग है इतना, तो गैस क्या कर रही है इसके अंदर ऐसे इंजेक्ट हो रही है और इसको पूरा धक्का देके ऊपर लेके आ रही है, ठीक है। तो एक तरह से वो लिक्विड स्लग को डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, ना कि उसके अंदर डिसॉल्व होके उसकी डेंसिटी को लाइटन अप करके ला रही है, ठीक है। तो ये होगा आपका इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट। अब इसमें क्या होगा, इन दिस सिस्टम ए पॉज और आइडल पीरियड इज प्रोवाइडेड। जैसे अपन ने बोला आइडल पीरियड मतलब उसमें कोई भी गैस इंजेक्शन नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए अपन ने इंजेक्शन रोका है गैस का, ठीक है। व्हेन नो गैस इंजेक्शन टेक्स प्लेस इन दिस पीरियड द वेल इज अलाउड टू बिल्ड अप द लेवल ऑफ लिक्विड व्हिच डिपेंड्स अपॉन द रिजर्व प्रेशर एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेल, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि अपन कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं बीच में, आइडल पीरियड होता है जब अपन गैस इंजेक्ट नहीं करते, ठीक है, इंजेक्ट, और वो इंजेक्शन जो आइडल पीरियड होता है वो किस पर डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के लिए अपन को रुकना है, गैस इंजेक्शन नहीं करना है, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे रिजर्वर का प्रेशर कितना है, उस वेल का प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कितना है, कैसे कि उस वेल में मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कितना प्रोडक्शन मिल रहा है उस वेल से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग होगा, अगर रिजर्वर का प्रेशर बहुत कम है या प्रोडक्टिविटी बहुत कम है तो उस लिक्विड स्लग को आने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे ज्यादा टाइम के लिए आइडल पीरियड मिलेगा, मतलब ज्यादा टाइम के लिए रुकना पड़ेगा गैस इंजेक्शन के लिए, ठीक है, उतने टाइम के लिए मैं गैस इंजेक्शन नहीं कर, जितने क्योंकि बेसिकली क्या है कि कितना टाइम लग रहा है किसी भी लिक्विड स्लग को आने में, ठीक है, वो उसकी बात कर रहा है। देन अगेन नेक्स्ट गैस इंजेक्शन साइकिल इज इनिशिएटेड टू प्रोड्यूस द ऑयल, देन अपन रुकेंगे आइडल पीरियड के लिए थोड़ा सा, देन वापस नेक्स्ट स्टेप में वापस गैस इंजेक्ट करेंगे, और ऐसे इस मैनर में गैस आपका क्या होगा कि एक इंटरमीडिएट मतलब कुछ टाइम इंटरवल के लिए अपन गैस इंजेक्ट कर रहे हैं और कुछ टाइम इंटरवल के लिए अपन वेट कर रहे हैं लिक्विड स्लग के बिल्ड होने का, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि अपन जितने शॉर्टेड टाइम में पॉसिबल जितना कम टाइम होगा अपन को गैस इंजेक्ट करने के लिए, जितना जल्दी अपन गैस को इंजेक्ट करेंगे उतना जल्दी आपका लिक्विड है उसको एक मैक्सिमम एक वेलोसिटी मिलेगी और वो जल्दी से प्रोड्यूस हो जाएगा और जो लिक्विड फॉल बैक है वो नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे नहीं होगा, देखो जैसे ये आपका लिक्विड का स्लग है, ठीक है, अब मैंने एकदम से गैस इंजेक्ट किया, अब ये लिक्विड स्लग था इसको एकदम से इंजेक्ट किया गैस और ये क्या करेगा जल्दी से इसको सरफेस पे ही आएगा, ठीक है। अगर मैं धीरे धीरे से गैस इंजेक्ट करूंगी तब क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम पे नहीं करूंगी तो क्या होगा, गैस क्या होगी ऐसे इसके अंदर जाएगी और इसके साइड का जो पार्ट है वो लिक्विड क्या करेगा फॉल बैक कर जाएगा, ठीक है।
तो जितना क्विकली अपन गैस कंटेन कर पाएंगे उतना ये गैस पूरे लिक्विड फिल्म को इजीली सरफेस तक प्रोड्यूस कर पाएगी, ठीक है। तो अपन चाहते हैं कि जो गैस इंजेक्शन पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, और जितना क्विकली अपन गैस को इंजेक्ट कर सकते हैं उतना क्विकली आपकी गैस इंजेक्ट कीजिए, ताकि जो लिक्विड स्लग है उसको एक मैक्सिमम वेलोसिटी मिले और उससे वो सरफेस पर प्रोड्यूस हो और वापस लिक्विड फॉल बैक ना करे, ठीक है। जो लिक्विड स्लग है उसमें से वापस फॉल ना करे, ठीक है। अब अपन ने इंटरमीडिएट गैस जैसे कंटिन्यूस में क्या बोला था कि कंटिन्यूसली गैस इंजेक्ट कर रहे हैं एक स्लो रेट पे, ठीक है। इसमें अपन ने बोला कि जितना क्विकली होगा उतना जल्दी क्विकली अपन गैस को इंजेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो पोर साइज होगी वो क्या होगी कंपेयर टू कंटिन्यूस गैस लिफ्ट पे, वो कंपेयर टू उससे ज्यादा होगी, ठीक है। अब पोर साइज होगी वो 1/2 इंच, 7/16 इंच, 3/8 इंच और 5/16 इंच, ये सारी सारी साइज है जो प्रिफर की जाती है इंजेक्शन के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये था इंटरमीडिएट, इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो आपका अनलोडिंग वाल्व है ये ऑपरेटिंग वाल्व है, आप कुछ टाइम इंटरवल के लिए गैस को इंजेक्ट कर रहे हैं, बीच में ये जो ये आपका लिक्विड स्लग है फ्यूज हो गया है, येलो वाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गैस इंजेक्शन को, ठीक है, वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी गैस आपने इंजेक्ट करी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो ये कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट है उनके अलग अलग टाइप के इंस्टॉलेशन होते हैं, ठीक है। तो तीन टाइप के जनरल इंस्टॉलेशन होते हैं गैस लिफ्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसमें होता है ओपन इंस्टॉलेशन, ओपन इंस्टॉलेशन मतलब क्या हुआ कि आपका जो ट्यूबिंग है मतलब जैसे ये आपका वेल का कैसिंग है, ये आपका प्रोडक्शन ट्यूबिंग है, तो इस ट्यूबिंग के साथ ओनली जीएलबी होगा, ठीक है, ओनली गैस लिफ्ट कॉल लगे होंगे, ठीक है। दूसरा वाला है सेमी क्लोज्ड इंस्टॉलेशन में क्या ट्यूबिंग में जीएलबी एंड पेलकर, इसमें मतलब कि जैसे वॉल भी लगे हुए हैं उसके अलावा उसके साथ क्या लगे हुए हैं यहाँ पे पैकर भी लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोज इंस्टॉलेशन, उसमें क्या है ट्यूबिंग में जीएलबी पैकर एंड स्टैंडिंग वॉल, मतलब यहाँ पे क्या होगा एक स्टैंडिंग वॉल भी लगा होगा क्लोज वाले में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कौन से टाइप का इंस्टॉलेशन कौन सी लिफ्ट के लिए और किस टाइप के वेल के लिए होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्स एज पर गैस लिफ्ट एप्लीकेशन, गैस लिफ्ट की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के वेल होते हैं, ठीक है। तो हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स वेल, हाई प्रोडक्टिविटी और हाई बीएचपी वेल, मतलब दोनों ही हाई है, आपका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वेल का वो भी हाई है और उसका जो बॉटम ऑफ फ्लोइंग प्रेशर है वो भी हाई है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इंडेक्स हाई है बट जो बॉटम ऑफ प्रेशर है वो लो है, ठीक है। नेक्स्ट बॉटम ऑफ प्रेशर हाई है बट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो लो है, ठीक है। नेक्स्ट दोनों ही लो है, लो बीएचपी एंड लो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है। अब लो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स मतलब वेल्स विद प्रोडक्टिविटी इंडेक्स लेस देन 0.5, ऐसे वेल जिनका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो लेस देन 0.5 है, ठीक है। वो वाले वेल हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स कौन से कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स वेल है, तो उसका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स जनरली क्या होना चाहिए 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। अब प्रोडक्टिविटी इंडेक्स अपन ने ऑलरेडी देखा था आपका क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्यू फ्लो रेट अपॉन पी रिजर्वर का प्रेशर माइनस पी बॉटम वॉल का प्रेशर, ठीक है। ये था नेक्स्ट है कि हाई बॉटम वॉल प्रेशर वेल कौन से होंगे, वो कौन से होंगे मतलब कि उस वेल का प्रेशर है वो इतना सफिशिएंट है कि वो सपोर्ट कर रहा है फ्लूइड कॉलम इक्वल्स टू 70% ऑफ द वेल डेप्थ, जो वेल की डेप्थ है जितनी डेप्थ है उतना लिक्विड स्लग आएगा, उसका अगर 70% वो प्रेशर इतना है उसके अंदर कि वो 70% पार्ट को सपोर्ट कर रहा है उसको लिफ्ट कर पा रहा है, ठीक है, उसके अंदर इतना सफिशिएंट प्रेशर है देन वो हाई बीएचपी होगा, लो बीएचपी में 40% होगा, ठीक है, कि जो वेल की टोटल डेप्थ है लिक्विड के कॉलम को कितने लिक्विड कॉलम को सपोर्ट करेगा 40% जो टोटल वेल की डेप्थ है उसका, ठीक है। तो ये हुआ आपके कि कितने टाइप के वेल होते हैं, जनरली एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि कौन से को कहां पे यूज करेंगे, अगर आपका बीएचपी बॉटम ऑफ प्रेशर हाई है प्रोडक्टिविटी इंडेक्स भी हाई है तो आपका टाइप ऑफ गैस इंस्टॉलेशन कौन सा होगा, सेमी क्लोज टाइप कंटिन्यूस फ्लो, ठीक है, मतलब सेमी क्लोज मतलब यहाँ पे जीएलबी होगा पेकर होगा
ठीक है, और कंटिन्यूअस गैस जैसे आप यहाँ पे यूज करेंगे अगर इस टाइप का वेल है तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बॉटम ऑफ प्रेशर हाई है बट जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो आपका लो है, देन आप सेमी क्लोज इंटरमीडिएट फ्लो, ठीक है। मतलब कि मैंने बोला कि प्रोडक्टिविटी इंडेक्स लो है मतलब वहाँ पे जो प्रोडक्शन आ रहा है वो लो है अल्टीमेटली, ठीक है। इसी की बात कर रहे हैं अपन, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या होता है आपका फ्लो रेट अपन डेल्टा पी, फ्लो रेट कम है फ्लो रेट डिक्रीज होगा इट मींस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, और फ्लो रेट से मतलब क्या आपकी कितना आपको मिल रहा है इनफ्लो कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर वो कम है मतलब आपका लिक्विड स्लग है वो ही कम आ रहा है, और कम आ रहा है तब अपन क्या करते हैं इंटरमीडिएट मतलब एक टाइम साइकिल के साइकिल वाले मतलब कुछ टाइम इंटरवल के लिए गैस को इंजेक्ट करेंगे और उसको लिफ्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर दोनों ही लो है तब कौन सा यूज करेंगे क्लोज इंटरमीडिएट फ्लो, ठीक है। अब क्लोज वाले में क्या होता है कि स्टैंडिंग वॉल भी होता है जीएलबी भी होता है प्लस उसके साथ बैकअप भी होता है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन होगा कौन से टाइप का वेल्व होने पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ बुक्स में दिया है कि जो आपका अपने हाई और लो में मतलब डिवाइड किया था कि हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स एंड लो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऐसे बेसिस पे देखा था, कुछ बुक्स में दिया कि इंटरमीडिएट भी एक पार्ट होता है, ठीक है। तो लो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स वेल्स और जिनको डिटरमाइन किया है कुछ बुक्स में कि प्रोडक्टिविटी इंडेक्स लेस देन 0.3 होता है वो, ठीक है। जनरली जो अपन ने 0.5 वाला पढ़ा था वही यूज होता है, ठीक है। पर कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया है इंटरमीडिएट में मतलब 0.3 टू 1 के बीच में है, हाई मतलब प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सेम हाई बॉटम ऑफ प्रेशर के साथ भी ये है कि वो 70% को कॉलम को सपोर्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट में क्या 40 to 70% इन बिटवीन दोनों के बीच में, और लो में 40% लेस देन 40%, ठीक है। तो ये इसका टाइप है, उसके अकॉर्डिंग कौन से टाइप की गैस लिफ्ट आपकी यूज होगी, ठीक है। तो अगर बीएचपी तीनों में ही हाई है बॉटम ऑन, अब यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है कि ये हाई है बट प्रोडक्टिव इंडेक्स आपका लो है, और ये लो होता है जनरली तो आप क्या करते हैं इंटरमीडिएट वाली यूज करते हैं, ठीक है। जनरल अगर आप याद करना चाहें तो यही है कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंडेक्स लो होगा वहाँ पे जनरली इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट ही यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये हाई है ये इंटरमीडिएट है, प्रेशर आपका हाई है और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स लो है मतलब इंटरमीडिएट है देन कंटीन्यूअस, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इंटरमीडिएट के उसमें आ गया, ठीक है। अगर दोनों ही हाई है देन कंटीन्यूअस, इंटरमीडिएट बीएचपी है और ये हाई इंटरमीडिएट एंड लो हाई एंड इंटरमीडिएट है देन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स लो है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है देन कंटीन्यूअस या इंटरमीडिएट को से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोडक्टिविटी इंडेक्स हाई है देन कंटिन्यूस, ठीक है। अगर ये दोनों लो है ये सारे लो है बीएचपी बॉटम ऑफ प्रेशर लो है और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंडेक्स भी लो है देन इंटरमीडिएट, यहाँ पे अगर बॉटम ऑफ प्रेशर बहुत लो है देन हमेशा ही इंटरमीडिएट गैस लिफ्ट लगेगी, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है कि कौन से टाइप के लिफ्ट को अपन कौन से टाइप के वेल्व पे कौन से टाइप की लिफ्ट को अपन इंस्टॉल करेंगे कि कंटिन्यूस होगा या फिर इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। थैंक यू।